दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी। संजय सिंह ने राज्यसभा से तो महाराष्ट्र में एक विधायक ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सही कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक एक कर पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त में दो और नाम शामिल हो गए हैं। जी हां, गांधी परिवार के करीबी डॉक्टर संजय सिंह ने कांग्रेस और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अमेठी के राजा के नाम से मशहूर संजय सिंह अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। उनका कार्यकाल अभी एक साल का बचा हुआ था, इसके बावजूद उन्होंने राज्यसभा और कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद संजय सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व में जीरो है। मैं सबका साथ सबका विकास के चलते मोदी का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी अतीत में है, उसे भविष्य का पता नहीं है। आज पूरा देश पीएम मोदी के साथ है और अगर देश उनके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूँ। कल मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। मैंने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उनका दावा है कि उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह भी कांग्रेस छोड़ेगी। उधर महाराष्ट्र में भी पार्टी के एक विधायक कालिदास कोलामकर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोलामकर मुंबई से 7 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के अलावा एनसीपी के भी 3 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। खबर है कि ये 4 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। 1958 में अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को हराकर संसद पहुंचने में कामयाब रहे संजय सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से उस वक्त इस्तीफा दिया है जब सरकार की ओर से पेश 3 तलाक बिल पर बहस चल रही है। संजय सिंह के राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद संसद के इस ऊपरी सदन का फुल स्ट्रेंथ घटकर 240 रह जाएगा। 245 सदस्यों वाले इस सदन की पहले 4 सीटें खाली थी, अब संजय सिंह के इस्तीफे से 5 सीटें खाली हो गई। वही महाराष्ट्र में भी पार्टी को ऐसे वक्त में झटका लगा है जब अगले कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।